मेरी तरफ से गिल के लिए जोरदार चुम्मा है भाई बस, और शुमन गिल के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है सेंचुरी होना। कर क्या रहा है यार, मतलब 3 सेंचुरियां इस आईपीएल में। मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा के बाद नेक्स्ट बिग थिंग है इंडियन क्रिकेट में। एक तरफ आज शुभमन गिल था और एक तरफ पूरी गुजरात टाइटंस थी, दो हिस्से थे बैटिंग के। आज शुभमन गिल जब बॉलिंग बैटिंग कर रहा था तो मुंबई के बॉलर्स घबरा रहे थे कि हम इसको अब अगला बॉल डालें क्या, ये हमारे साथ आज अशर नशर करेगा क्या। 49 बॉल पे 100 किया और मुझे तो लग रहा था 200 करने वाला है। गिल है कि मानता नहीं, सेंचुरी के अलावा ये कुछ और जानता नहीं। बात की जाए पीछे ओडीआई टेस्ट सेंचुरीज की भरमार, और अभी T20 में सेंचुरी, चलो ओडीआई और टेस्ट में तो इतनी सेंचुरीज लगा देते हैं बड़े बड़े बैट्समैन, लेकिन T20 में इतनी सेंचुरीज मार रहा है यार। ये ना विराट कोहली से भी आगे की चीज है, मतलब इंडिया में एक दूसरा विराट कोहली जो है वो आप कह लें कि एंट्री कर रहा है। टीम डेविड ने जो कैच छोड़ा वो फिर शुमन गिल ने बोला कि आज मेरा डे है, आज मेरा दिन है, और आज मैं सबकी खोल दूं, आज मैं फाड़ दूं, और भाईजान वो ये गले ने करके दिया। चुटकियों में ये सेंचुरी बना देता है। T20 में सेंचुरी बनाना एक वक्त ऐसा था कि पूरे पूरे कैरियर में बड़े बड़े बल्लेबाज एक सेंचुरी नहीं बना पाते थे, और इसने लास्ट 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां बना दी। लग रहा था क्रिस गेल की रूह जो है वो शुभम गिल के अंदर आ गई है। आईपीएल प्लेऑफ के दूसरे मुकाबले में मुंबई पर शानदार जीत के बाद गुजरात टाइटन ने फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। इस मैच के हीरो रहे शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने मुंबई के साथ मुकाबले में शुभमन गिल ने शानदार 49 गेंदों पर शतक पूरा किया। आईपीएल प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। इस आईपीएल में यह उनका 3रा शतक है। अगर प्लेऑफ में शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे पहले नाम मुरली विजय का आता है। मुरली विजय ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आईपीएल 2012 में शतक बनाया था। आइए देखते हैं शुभमन गिल के शानदार शतक पर मीडिया और पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा। मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा के बाद नेक्स्ट बिग थिंग है इंडियन क्रिकेट में। आप जिस तरह से रिंकू को देख लें, वो भी यंगेस्ट प्लेयर है, वो भी किस तरह के मैच जितवा रहा है, यार मुझे समझ नहीं लग रही ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों ने सारों ने यंगेस्ट प्लेयर की टीम बनानी है, ठीक है, और इन लोगों ने छा जाना है। यार शुभम गिल छा गए यार, दिल से यार बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शुभमन गिल ने सेंचुरी की है और अपनी टीम को लाइक विनिंग स्कोर ही उन्हीं का था, क्या कहेंगे आप? मजा आया उनकी बैटिंग देखने का, एक यंगस्टर 23 ईयर एज के बंदे ने चांस स्कोर किया। एक्चुअली क्या है कि नो डाउट कि शुभमन गिल एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है और इंडिया का फ्यूचर है। गिल है कि मानता नहीं, सेंचुरी के अलावा ये कुछ और जानता नहीं। पहले आरसीबी को बाहर किया और आज मुंबई इंडियंस को शुभमन गिल ने सिंगल हैंडेड जो है वो आईपीएल 2023 से बाहर कर दिया है। क्या कमाल का प्लेयर है भाई साहब, व्हाट अ प्लेयर ही इज, और क्या कमाल का खेलता है ये बंदा। दिल जीत लिया है और हैरान करके रख दिया भाई साहब क्रिकेट की दुनिया को। भाई ऐसे भी शॉट्स कोई खेल सकता है इस एज में? इतना ज्यादा टैलेंटेड भी कोई बंदा हो सकता है? इतने कम अरसे में खुद को इतना ज्यादा कोई साबित कर सकता है जैसे शुभमन गिल ने किया है? यार ये बंदा आने वाले वक्त में क्रिकेट की दुनिया पे राज करेगा, ये आप मुझसे लिखवा लें। बड़े बड़े लेजेंड्स को इसने हैरान करके रख दिया है। आगे चल के बताऊंगा कि लेजेंड्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। 233 स्कोर बनाए आज गुजरात टाइटंस की टीम ने, लेकिन यार क्या अनबिलीवेबल बैटिंग किया शुभमन गिल ने, ये दिल खुश कर दिया। मैदान के चारों तरफ जो है इस बंदे ने शॉट्स खेले, और यार आप देखिए शॉर्ट बॉल के ऊपर स्ट्रेट शॉट बॉल पे स्ट्रेट छक्के लगा रहा है। सबसे मुश्किल जो होता है ना शॉर्ट बॉल के ऊपर स्ट्रेट छक्का लगाना मुश्किल होता है, और स्ट्रेट जो है शॉर्ट बॉल के ऊपर छक्का लगा रहा है, और सेंचुरी इसके लिए मजाक हो गई है। यार चुटकियों में यह सेंचुरी बना देता है। T20 में सेंचुरी बनाना एक वक्त ऐसा था के पूरे पूरे कैरियर में बड़े बड़े बल्लेबाज एक सेंचुरी नहीं बना पाते थे, और इसने लास्ट 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां बना दी। व्हाट अ टैलेंट ही इज। आप अली, आप बात कर रहे हो ना कि 200 का स्ट्राइक रेट, मैं इस 200 के स्ट्राइक रेट को बाइफर्केट करती हूँ इस वजह से, बिकॉज जब शुरू किया शुभमन गिल ने खेलना तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, क्यों इतना स्लो खेल रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। बट मेरा ख्याल से ओवर द पीरियड, ओवर फ्यू ओवर्स, ही जस्ट एक्सप्लोर्ड के ये कैसी सरफेस है और मैं यहाँ पे किस तरह एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मतलब इफ़ यू लुक एट जो पहली पार्टनरशिप जिस तरह उसने शुरुआत की साहा के साथ, 22 बॉल है,
34 रन्स और अगली 38 गुड एट ऑल, मतलब आप उस पे ये सोचें कि क्या कर रहा है ये, अगली 38 बॉलों पे ये लड़का, एंड देन अगली 38 बॉलों पे 95 रन्स, व्हिच मींस मोर देन 300 के स्ट्राइक रेट से, नहीं 300 के स्ट्राइक रेट तुम ज्यादा कर दिए, तुम्हारी मेंटल मैच से कमजोर चल रही है, 250 का स्ट्राइक रेट तुम पकड़ लो, ज्यादा हो गई, ये डेटा का काम तुम मुझ पे छोड़ दिया, डेटा के अंदर भरोसा करो तुम अली, मतलब आप ये देखें, आप शिफ्ट देखें, क्या आपने शुरू की एक पार्टनरशिप तक ये रखी बारी, आपको अंदाजा हुआ कि नहीं जी बल्ले पे बॉल आ रही है सही तरह, आ जाओ ट्राई करते हैं, एंड दैट ट्राई यार, क्वालिटी प्लेयर्स का होता क्या है सवेरा, क्वालिटी प्लेयर्स होते ही हैं कि इरिस्पेक्टिव के कोई भी आपके सामने कंडीशन हो, पहले आप अपने हालात को जज करते हैं, अपने जज्बात को जज करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को जज करते हैं, और आप एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं। देखो सवेरा आज जो शुभमन गिल ने इनिंग्स खेली है ना, छोड़ दो आप नंबर्स के, नंबर वन बन गया, मैं क्या कह रहा था कि उसको डोमिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज वो ऑरेंज कैप होल्डर बन के बैठा हुआ है, सेकंड इंडियन बैटर बन गया, 800 क्रॉस करने वाला है, सारी चीजें आप साइड में करो। आज जो गेम हुआ है ना 20 ओवर, इस 20 ओवर में कोई 4 या 5 बल्लेबाज आए जिन्होंने बैटिंग की गुजरात टाइटंस की तरफ से। मैंने क्यों बोला ये बात कि एक तरफ आज शुभमन गिल था और एक तरफ पूरी गुजरात टाइटंस थी, दो हिस्से बैटिंग के। आज शुभमन गिल जब बॉलिंग बैटिंग कर रहा था तो मुंबई के बॉलर्स घबरा रहे थे कि हम इसको अब अगला बॉल डालें क्या, ये हमारे साथ आज अशर-नशर करेगा क्या, क्योंकि मुंबई इंडियंस को आज जिस तरह काउंटर पंच आज शुभमन गिल ने किया है, इट वाज एब्सोल्यूट वन साइडेड शो। तुम सही कह रही हो कि पहले 22 बॉलों में जो पहली पार्टनरशिप जब साहा आउट हुआ है तो शुभमन गिल का स्कोर उस वक्त 34 था और 22 बॉलें खेली हुई थी, अगली 38 बॉलों में उसने 95 रन बनाए हैं, एंड दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। वही वाली बात कहते हैं ना कि लोग यहां बोलते हैं अरे यार ये नहीं हुआ, ये 4 बॉलें आप पी गए, अगर आप इतने कैलिबर के बल्लेबाज हो, आप में इतना दमखम है कि आप इसको बाद में एक्सेलरेशन को अफोर्ड कर सकते हो, जो शुरू में आपने टाइम किया आप उसको ओवरकम कर सकते हो, जब आप आउट होकर जा रहे हो तो क्यूमुलेटिव आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 217 से ऊपर है, तो मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन होती है। और शुभमन गिल ने सवेरा स्लॉग नहीं खेला, ऐसे सेंसेलेटिंग शॉट्स थे, इतने सेंशल शॉट्स, सेंसेशनल शॉट्स थे, एंड प्योर क्वालिटी बैटिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ फैंसी शॉट्स, क्योंकि अगर शायद शुभमन खड़ा होता ना तो ये 234 का जो हमको स्कोर दिख रहा है ना ये 250 टॉप था, और कोई पता नहीं आज शुभमन की हमको 200 भी दिख जाती, लेकिन आज शुभमन गिल ने सवेरा सारी बहस खत्म कर दी।